भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में 19 अप्रैल को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई थी, जो आज खुलने लगी है और अब ये तय होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी दो चरणों में लगाई गई है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक और फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी। प्रशासन का दावा रहा कि मतगणना कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए कराई जाएगी, लेकिन मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके एजेंटों की भारी भीड़ कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। आजमगढ़ जिले के सभी 22 विकास खंडों के नजदीकी विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पंचायत चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। मतगणना न्याय पंचायतवार कराई जा रही है। जिले के 278 न्याय पंचायत के लिए 1112 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी वोटों की गिनती के लिए लगाई गई है। जगह जगह मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है, लेकिन मतगणना के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही है। प्रत्याशी और उनके समर्थक नहीं रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, जहां एक दूसरे के ऊपर प्रत्याशी और अभिकर्ता चढ़े हुए हैं, जिसके चलते नहीं हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। जबकि पंचायत चुनाव में 19 अप्रैल को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। लगभग सर कितने टेबल बनाए गए हैं और किस तरीके से चल रहा है मतगणना? चल रही और सभी टेबलों पर काम शुरू हो जाएगी। कुछ मतगणना सर लेट से हुई है, उसके क्या सर? नहीं, मतगणना देखिए जब सारी पार्टियां पूरी हो जाती हैं जी, तब एक साथ मतगणना सभी टेबलों पर शुरू करानी थी, थोड़ा सा सर जो लोग गिनती कर रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं और जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ रही है देख रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, पुलिस फोर्स है, हम लोग जो लोग नहीं पालन करेंगे उनका कार्रवाई। सर शासन से तमाम जैसे कि ये मतगणना पे है, वहाँ पे कोई भी कोई सिपाही कोई पुलिस भी नहीं वहाँ पे है और मतगणना वहाँ पे शोर भी हो रहा है, यही देखने जा रहा हूँ। ओके सर।